फैक्ट्री जो होंगे वो जेल के अधिकारी जो जेल अधीक्षक हैं वो मौजूद रहेंगे और एक वीडियोग्राफर जो पूरी जो है जो पूरा पोस्टमार्टम का जो वीडियो है वो शूट करेगा। तो ये कुल 9 लोग जो है पोस्टमार्टम हाउस के अंदर रहेंगे। आप चूंकि 7 बजे का वक्त हो चुका है, ऐसे में बस कुछ ही देर के बाद करीब कहा जा रहा है कि 8 बजे के आसपास जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो सकती है। पहले पंचनामा होगा और उसके बाद जो है इस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 11:30 बजे से तक जो है समय लगेगा। 11:30-12 बजे के बाद ही शव को यहाँ से निकाला जाएगा। पुलिस उमर को एम्बुलेंस में ही बैठाएगी, एम्बुलेंस से ही उमर को भेजने की कहेगी कि अगर उमर साथ में जाना चाहता है शव के तो वो एम्बुलेंस से जा सकता है। पुलिस कस्टडी जो है चुकी रहेगी और खासतौर से पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो 26 जो वाहन है वो साथ में रहेंगे। अलग अलग जगहों पर जो जिले हैं वहाँ पर जो पुलिस है वो बाकायदा उसको जो है मार्च करेगी। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मजिस्ट्रियल जाँच के भी आदेश दे दिए गए हैं। अब जो है 3 सदस्यीय जो मजिस्ट्रियल जो जाँच है वो करेगी। इसमें अलावा 2 जो डॉक्टर्स का पैनल है वो भी इस जाँच में हिस्सेदारी करेगा। चूंकि ये मेडिकल इशू है ऐसे में इसके जाँच इशू होगा। इसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम है उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो नाक से खून निकला है मुख्तार अंसारी के वो बीपी या शुगर की वजह से निकला है या किसी वजह से चोट लगी है, ये भी जो है देखा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी जो है फिलहाल ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारी जो है वो की गई है। और यहाँ बांदा में अगर हम बात करें तो बांदा में काफ़ी लंबे समय से जो है मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। कई बार उसने अपनी जान खतरा जरूर बताया था लेकिन कल जब है उसको कार्डिक अरेस्ट पड़ा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। ये जो है जानकारी जो है ये कल मेडिकल बुलेटिन से जारी की गई थी। एक आपको जानकारी और दे देता हूँ कि ये जो मुख्तार अंसारी का जो पूरा मामला है इसमें 2 चीज़ें जो हैं बहुत खास हैं कि इसमें जो अगर हम बात करें तो इसमें एक दो तीन चीज़ें बहुत खास है कि 6 अप्रैल 2021 को जो है मुख्तार अंसारी को पंजाब से यहाँ पर लाया गया था, बांदा जेल में लाया गया था, तब से वो बांदा जेल में बंद है। 25 अक्टूबर 2005 के मामले को लेकर मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई दी गई थी और उसके बाद से ही बांदा जेल में वो लगातार जो है सजा काट रहा था। तो ये एक लंबा जो है समय था जहाँ बांदा जेल में वो मौजूद था। यहाँ पर लगातार बांदा जेल में उसके ऊपर सख्ती होती थी, जो उसको रियायतें जो मिलती थी पिछली सरकारों में वो योगी सरकार में नहीं मिलती और इसी वजह से मुख्तार अंसारी बार बार जेल से बाहर आने की कोशिश करता था। हमेशा कई बार इस बात का आरोप लगाता था कि उसकी जान को खतरा है। इसके साथ साथ उसने जो है कई बार जो है बीमारी का नाटक भी किया था। इन सब तमाम जो हटकंडे थे उसने अपनाए थे लेकिन हर कई मामलों में उसको सजा हो चुकी थी इसलिए वो जेल की सलाखों के पीछे था। मैं आपको एक बार तस्वीरें जरूर दिखा देता हूँ क्योंकि देखिए मर्चरी के ठीक बाहर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेज जो है वो तैनात हैं और इसके साथ साथ लोकल पुलिस भी तैनात है। सामने का जो एरिया है वो मर्चरी का एरिया है और वहाँ पर जो है किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। केवल उमर अंसारी और इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स का पैनल है 5 लोग का वो और इसके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट हैं, वीडियोग्राफर हैं और जो जेल अधीक्षक हैं इन्हीं को ही केवल अंदर जाने की इजाज़त रहेगी। कुल 9 लोग अंदर मौजूद रहेंगे, इसके अलावा कोई भी अंदर मौजूद नहीं रहेगा। बिसरा को सुरक्षित रखा जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद बिसरा को सुरक्षित रखा जाएगा। ये एक अपडेट जो है ये अभी आपको बता दे रहा हूँ कि फिलहाल आया है और आपको बता दें कि बस कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जो टीमें हैं डॉक्टर्स की वो पहुँचना शुरू हो जाएंगी और करीब 8 बजे के आसपास जो पंचनामा है वो पहले होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। Z News.